हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेके। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो बातें रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। और पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। तो लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उस व्यक्ति के आपके लिए लेट नाइट थॉट क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो व्यक्ति इनको लेके आज रात क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव रिलीज, ग्रीफ, फॉरगिवनेस, वर्कहॉलिक एंड दी ग्रोथ। बॉटम से आ रहा है प्रसेप्शन, ठीक है, ओके। ओके व्यूअर्स, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ जो आपके लिए मैसेज देती हैं कि मे बी इस पर्सन ने किसी के कहने पे, ठीक है, ये रिश्ता आपसे तोड़ दिया। किसी के कहने पे ही किया है, चाहे वो फैमिली हो सकती है या कोई आसपास का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। कोई तो था यहाँ पे ऐसा जिसके जिसके कहने में, जिसके बहकावे में आके इस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट जाके बिना सोचे समझे उसकी बातों को सच मान के या अपना बिना दिमाग का इस्तेमाल किए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। और ये व्यक्ति विवश आज आपको खो के बड़ा पछता रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तड़प है, बहुत ज्यादा दुख है इस पर्सन को। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स रिलीज की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें, रिलीज की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। जस्टिस, यस, फूल। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे यही नजर आया सबसे पहले जो एनर्जी थी ना कि हाँ यस, कनेक्शन में इनजस्टिस ही हुआ है। किसी के कहने में, बहकावे में या फिर अब मैनिपुलेशन होके इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया और आज व्यूअर्स आपके पर्सन इस बात को लेके बहुत मुझे रिग्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनको एहसास है कि उन्होंने इस रिश्ते में गलत किया है, गलत कदम उठाया है, गलत सोच रखी है अपनी, या फिर आपको ही गलत समझ बैठे आपके पर्सन, ठीक है। और ये मैनिपुलेट थे, ये कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में थे व्यूअर्स आपके पर्सन। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है और अब आपके पर्सन व्यूअर्स जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए न्याय मांग भी रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ, वो नेगेटिविटी जो इस कनेक्शन में आ गई है आपके पर्सन चाहते हैं वो निकले यहाँ से, क्योंकि इनको आप चाहिए, क्योंकि ये आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ये आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपका प्यार चाहते हैं। ये इसी एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत कुछ अब समझ में आने लगा है, चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, दुख के बादल यहाँ पे छटने लगे हैं। ग्रीफ की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। दुख यहाँ पे, ग्रीफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये रिवर्स में कार्ड आया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है जो यहाँ पे दिखाता है ये व्यक्ति आपके साथ में, देखो, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक फिर से एक जर्नी आपके लिए इमोशनल, मुझे इस पर्सन के मन में चाहत में नज़र आ रही कि हाँ, ये चाहते हैं आपके दोनों के बीच में एक इमोशनल जर्नी शुरू हो यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से जुड़े, ये इस पर्सन की डिज़ायर है यहाँ पे। लेकिन जो कार्ड यहाँ पर आया है व्यूअर्स, वो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सामने से आके आपको अपने मन की भावनाएं, फीलिंग्स बता सके। ये उनको जैसे कि अंदर ही अंदर समेटे हुए हैं, कंट्रोल करे हुए हैं, जता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे कि इनको क्या फील हो रहा है, ये किस दौर से, किस दुख से आपके बिना गुजर रहे हैं, कितनी आपको ये, मतलब कितना आपको ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह के एनर्जीज में व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये समझ ही नहीं पाए आपके प्यार को, आज आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया
यह समझ नहीं पाई कि तुम मेरे लिए हो क्या, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद में आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरे लिए क्या थे, तुम्हारा प्यार मेरे लिए क्या था। जब तक तुम थे तब तक मैं इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता रहा या लेती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम मेरे लिए बेहद बेहद ज़रूरी थे। जैसे कि समझ पा रहे हैं तुम्हारा ट्रू लव था या तुम मेरे लिए कितना कुछ सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे ये वो एनर्जी में, जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, यस, प्लीज़ यूनिवर्स फॉरगिवनेस की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। फॉरगिवनेस यहाँ पे क्यों आया है कार्ड, फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। टू ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी है, बॉटम से स्टार एनर्जी आ रही है। तो स्टार का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की मन में एक मतलब ऐसी इच्छा है, एक ऐसी डिज़ायर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करके आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें। लेकिन मैंने बोला आपको ये नहीं जता पा रहे, नहीं दिखा पा रहे, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की आई है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत गुस्से में देख रहे हैं। ठीक है, अग्रेशन में देख रहे हैं, मे बी कि आपसे इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसी उम्मीद है इस व्यक्ति को कि आप इन्हें माफ़ तक नहीं करोगे, सज़ा दोगे। ठीक है, बोलोगे इनको, इनको तो कहते ना इंसान माफ़ करने की एनर्जी में नहीं है कि उसने इतना बर्दाश्त कर लिया है या इतना कुछ अपने अंदर वो इंसान टूट के या समेट के बैठा, जहाँ पर इंसान का दिल जो है वो पत्थर का हो चुका है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी बदल चुके हो। ठीक है, आपके आपके अंदर अब वो बात नहीं नज़र आ रही है। एक टफ इंसान, जैसे रफ एंड टफ हो जाता है ना, वक्त के थपेड़े जो होते हैं वो इंसान को बदल देते हैं, इंसान को बदलने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको राइट नाउ इसी एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप काफ़ी बदल चुके हो, आप उतने इमोशनल नहीं हो, इवन दो आप इमोशनल ही नहीं हो, ये उस पर्सन को फील हो रहा है। मे बी मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, ये आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है। मे बी आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, उम्मीद तो नहीं है इस पर्सन को कि आप इन्हें माफ़ भी करोगे, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इंसान मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसने बर्दाश्त कर लिया फिर वो बदल जाएगा, इस पर्सन को पता है। ठीक है, तो यस, ये पर्सन रिवर्स अपनी उम्मीद यहाँ पे कहीं ना कहीं खो रहे हैं, और इनको पता है, ऐसे ही लग रहा है कि अब शायद कुछ हो नहीं सकता। मे बी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी आपके पर्सन के दिमाग में और क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वर्कोहॉलिक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो यस व्यूवर्स, देखो आपके पर्सन को अपने एक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं आज शर्मिंदगी बहुत महसूस हो रही है कि उन्होंने आपको, देखो क्वीन ऑफ कप्स कह रही ना मैं, वक्त के थपेड़े जो होते हैं ना इंसान को बदल देते हैं, बहुत कुछ चेंज हो ही जाता है, इंसान चेंज होना नहीं चाहता, लेकिन वक्त और हालात इंसान को बदलने पर इतना मजबूर कर देते हैं कि अगर वो ना बदले तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसे वक्त के साथ में आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो आपने भी वही किया, आपने जितना आप साथ निभा सकते थे, आप साथ दे सकते थे, इस पर्सन का समझा सकते थे, आपने समझाया, लेकिन जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब कुछ चीज़ें हालात सुधरे नहीं, तो आपने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, कहते ना एक एक लिमिट तक ही हम किसी को समझा सकते हैं, एक लिमिट तक हमें किसी का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब इंसान समझने को, सुधरने को या फिर चेंज होने को तैयार नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये वो एनर्जी है यहाँ पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे ग्रोथ की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। ग्रोथ यहाँ पे क्यों आई है, ग्रोथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक ऐसी बिगनिंग, एक ऐसी ग्रोथ जो टेन ऑफ कप्स तक जाती हो, जहाँ पे रिलेशनशिप है जिसको इंसान जी रहा है,
जिसमें वो एक फैमिली बना रहा है, एक रिश्ता निभा रहा है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें कपल हैं, एक ऐसा फ्यूचर आपके पर्सन आपके साथ में देख रहे हैं, या ये कहें कि वो ऐसा रिश्ता आपके साथ में जीना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की व्यूअर्स अगर मैं देखूं, जो इंटेंशन है यहाँ पे वो आपको लेके यही है कि आप उनके लाइफ में वापस आएं, उनको फॉरगिव कर दें, उनको माफ़ कर दें, ठीक है, और इसको इस रिश्ते को फिर से एक नया रूप देने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जो गलत हुआ है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि हम चलो उसे रिकवर करें, उसे ओवरकम करें, और ओवरकम करके एक नई शुरुआत ऐसी करें जो कि लाइफ में सबसे बेस्ट हो। मतलब उससे कम कुछ होना ही नहीं चाहिए, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, उससे कम में बात बनेगी नहीं। तो आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी व्यूअर्स आपके साथ में चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये अपने आप में ही कंप्लीशन का कार्ड है। इससे बेहतर कार्ड आई डोंट थिंक सो रिलेशनशिप के लिए कोई हो भी सकता है, जहाँ पे रिश्ता बना और वो अब फ्रूटफुल हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे, जैसे कहते हैं ना, सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान आपके साथ में ऐसे ही जीवन को पाने की कामना रख रहा है या रख रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो ग्रोथ को लेके क्या है, कि क्या हो इस कनेक्शन में, ग्रोथ हो तो किस लेवल की हो, किस लेवल तक जाए और क्या मिले उससे। तो ये आपके पर्सन आपके साथ में इस कनेक्शन में चाहते हैं। ओके, यहाँ पे भी ये पेज ऑफ वैंड्स आया है, तो एक्शन तो लेना चाहते ही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस कनेक्शन को लेके इनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, इस कनेक्शन को लेके इनके पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो वी हैव द चैरियट, मून एंड द एट ऑफ पेंटिकल। मून एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। मून एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स। तो इस पर्सन की अगर हम इमेजिनेशन की, इस पर्सन की फीलिंग्स की, डिज़ायर की बात करें, तो ये व्यक्ति आपके साथ में आगे आके साथ में जुड़ के इस कनेक्शन में जो भी कमियां हैं उनको ये रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके साथ में जुड़ के एक नए लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। और वही एक्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे छूटा हुआ काम है, जो छोड़ दिया, जो इग्नोर कर दिया, जिस पे ध्यान नहीं दिया, सही से नहीं किया गया, उसको लेके फोकस एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, तो एक्शन में देखूंगी कि कहीं ना कहीं सारी की सारी जो इंटेंशन है इस पर्सन की एक्शन को लेके, वो इस कनेक्शन को एस ऑफ कप से, यानी कि फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप लाइफ का उस तक पहुंचाने की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक्शन भी कुछ ऐसे ही लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, ऐसे ही एक्शन ये लेना भी चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक तरह का कम्युनिकेशन, और एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के साथ साथ एक ऐसी एनर्जी जिसमें इंसान की लाइफ से चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं, यानी कि प्रीवियस पास्ट एनर्जी से ये पर्सन मूव करके एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ में इस एनर्जी में आपके पर्सन जाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगेन व्यूअर्स, इस पर्सन के मन में अगर मैं देखूँ ना, तो यही एनर्जी है कि ये कैसे इन चीज़ों को लेके जाएंगे, जैसे कि कहते हैं ना, फोकस तलाश रहे हैं, एक लक्ष्य है जो इन्होंने सोच लिया है, उस तक ये कैसे पहुँचेंगे, ये वो एनर्जी है, राइट। क्योंकि अब ये व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, या फिर एवे ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी काम हो परफेक्शन के साथ में हो, सही तरीके से हो, और 100% अपना लगाना चाहते हैं आपके पर्सन। ये इनके एक्शन की एनर्जीज है, ठीक है। तो मे बी अब आपको इनकी तरफ से जो भी एक्शन मिलेगा वो आपके पर्सन खुद को साबित करने के लिए करेंगे, अपना लव साबित करना है, ठीक है, और लॉयल्टी को साबित करना है, अपनी इनको रिग्रेट कितना है ये भी इनको साबित करना है, ठीक है, जैसे आपकी नज़रों में ये प्रूव करना चाहते हैं खुद को, ठीक है। ये वो एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इनको अपना लव ही तो दिखाना होगा आपके लिए। कार्ड देख रहे हो, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। सबसे नीचे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है,
तो आप समझ सकते हो ये पर्सन आपको अपना लव प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, ऑनेस्टी प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, अपना अपना दिखाना चाहते हैं कि अब आपके साथ में ये पर्सन रहेंगे चाहे हालात कैसे भी हों, ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब किसी की बातों में नहीं आएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पर्सन 100% निभाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि 6 6 नंबर्स भी आपके लिए दो बार आ गया, फिर 3 3 नंबर की एनर्जी भी है, वो भी अगेन कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी एक्शन है यहाँ पे वो प्रूफ करने के लिए है खुद को, ठीक है, आपकी नज़रों में। सो मैं कुछ चैनल मैसेज आपके लिए यहाँ पर ले लेती हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पर कि मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या संदेश अपने देना चाहते हैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से। वो अपने क्या संदेश इनको पहुंचाना चाहते हैं। डीपली हर्ट है अभी राइट नाउ, मैंने बोला था ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं पेन में है, सफरिंग में है विदाउट यू, ठीक है, तो दर्द से तो गुजर रहे हैं, इनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा। दे फील लाइक कि विदाउट यू ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, प्लेयर माफ़ी मांग रहे हैं, जिस बात को लेके माफ़ी मांग रहे हैं वो प्लेयर की एनर्जी को लेके है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए आपके प्यार को कि आपका प्यार था क्या इनके लिए, ठीक है। सो यस, ये इसीलिए थे, मतलब अब रियलाइजेशन में आ रहा है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है कि यार प्यार जस्ट 2 पल का मज़ा नहीं है, ये 2 पल आपने किसी के साथ में गुजारे और फिर चल दिए, नहीं, ये रिश्ता उससे ऊपर है जिसके साथ में, मतलब ये समझ पा रहे हैं आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में पूरी लाइफ गुजारी जा सकती, जिसके साथ में इंसान अपनी ज़िंदगी जी सकता है, स्पेंड कर सकता है ना, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आई विश आई कैन हैव यू, तो आपको ये फिर से पाना चाहते हैं। और विश इंसान क्यों कर रहा है, मैंने बोला था जब कार्ड हमने निकाले थे तो विश की एनर्जी आई थी, तो इनकी विश है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, बट ये आपसे डरे हुए भी हैं, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपसे थर्ड पार्टी छुपाई, ये भी यहाँ पे आपके पर्सन कन्फेशन में आ रहे हैं, एंड जब भी आपके बारे में सोचते हैं खुश हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन भी हो जो मुस्कुराने की वजह है, ठीक है, वो गाना आपने सुना ही होगा ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, ठीक है। तो यस, जिया जाए ना ओरे प्यारे, तो आप उनके लिए वो हो इस वक्त, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, राइट। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की आपको लेके लेट नाइट फीलिंग, उनके थॉट। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।